धन्यवाद दूंगा अविका ग्रुप ऑफ मोबाइल को, आनंद जी को, हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं ये। और बहुत अच्छी बात है कि अविका एक ऐसा मोबाइल है जो हम लोगों ने लखनऊ में यूज कर रहे हैं। ये हर तबके के लोगों के लिए है, हर मतलब एक गरीब भाई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, एक मिडिल क्लास, बिकॉज इसके फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। वो बेटर आनंद यादव जी आप लोगों को बताएंगे कि क्या है। एंड अदरवाइज वेरी हैप्पी डे, आज अविका का लॉन्च है मुंबई महाराष्ट्र में, इतने बड़े शहर में, और तीन फिल्म का लॉन्च है उसमें, आज इट्स अ बिग सेलिब्रेशन। सो हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कलाकारों को रोज़ी रोज़गार मिलेगा, और एक अच्छे थॉट के साथ फिल्में भी शुरू हो रही हैं और मोबाइल की लॉन्चिंग भी हो रही है। रवि किशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रवि किशन के लिए, खास करके कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं एक ऐसे इंसान से और एक ऐसे मोबाइल से जुड़ा जो ज़मीनी स्तर से है और हाईटेक भी है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कोई मतलब किसी कस्टमर को या बायर को कोई उसके साथ भेदभाव या छल कपट नहीं होगा। सो वो ब्रांड के साथ जुड़ना ज़्यादा, जैसे मैं डाबर कंपनी के साथ पिछले 6 साल से हूँ। सो अदरवाइज नहीं तो ब्रांडिंग करना मतलब नहीं, अपना नाम बर्बाद करना या स्पॉइल करने का कोई शौक नहीं किसी एक एक्टर को होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम विद देम, एंड आज सबसे बड़ा दिन है कि एक ब्रांडिंग के साथ 3 फिल्म अगेन आनंद यादव एंड मी एंड अच्छे डायरेक्टर जितेश दुबे और आनंद घटराज और मंजुल और उपासना जी आई हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस इन लखनऊ में, इन्होंने बड़ी मदद की हम लोगों को, उनके सुंदर से पति भी आए हैं। वारदा जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आनंद जी आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा मौका है रवि जी का आपको साथ मिला है? मैं रवि जी का, उपासना जी का, विजय भाई साहब का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस मौके पर आप सब लोग अपने इस व्यस्ततम टाइम में निकाल कर हमारे लिए जो टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उपासना जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी जो मैं कहना चाहती थी वो सब रवि जी ऑलरेडी कह चुके हैं। मेरी बेस्ट विशेज हैं अविका मोबाइल के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जैसा रवि जी ने कहा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आज मोबाइल हर इंसान की ज़रूरत हो गया है, जैसे छोटे से बड़े जितने भी लोग हैं उनको मोबाइल चाहिए। तो ये इन्होंने इतनी सारी रेंज है इसमें कि छोटे से छोटा इंसान भी उसको ले सकता है, छोटे मीन्स की जिनकी इनकम बहुत कम है वो भी इन्हें ले सकता है, और जिनकी इनकम बहुत अच्छी है उस रेंज तक भी इन्होंने बनाया है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो दूसरे मोबाइल्स में आज तक नहीं आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आनंद जी की कि उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत मोबाइल का एक मैं हिस्सा बनी, और लखनऊ में उसकी लॉन्चिंग हुई और बहुत लोग थे, लोगों ने बहुत पसंद किया इस आइडिया को, और मुझे लगता है कि जब ये मार्केट में आएगा मोबाइल तो ये बहुत सारे मोबाइल्स को मात कर देगा। उपासना जी की बात करें तो उपासना जी को कितना इम्प्रेस किया अविका मोबाइल ने, क्या ऐसी कुछ खास बातें आपको लगी इसमें? इसकी सबसे खास मोबाइल में नहीं है। देखिए इसकी सबसे खास बात जो है, अविका इनकी बेटी का नाम है, और कितनी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनके नाम पे कंपनीज खोली जाती है, ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मोबाइल्स में नहीं है, और इसमें बैटरी मतलब काफ़ी टाइम तक चलती है, इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे उसमें टॉर्च भी है, उसमें रेडियो भी है, तो जो आम आदमी जो है ना वो FM सुनना चाहता है या कुछ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं, जैसे इसका कैमरा है वो बहुत अच्छा है। सो मुझे लगता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, बाकी सबसे पहले तो मैं अविका मोबाइल खरीदने वाली हूँ। आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे भैया, फिल्मों भोजपुरी। देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि मैं भोजपुरी का माटी का रहने वाला हूँ, गाजीपुर का रहने वाला हूँ, बचपन से भोजपुरी सीखा हूँ और उसी माटी में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ। आज भले मैं किसी भी ऊंचाई पे चला जाऊँ लेकिन अपनी मातृभूमि को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, इस वजह से मैं भोजपुरी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। ये साईं बाबा की सब महिमा है, रवि जी का, उपासना जी का, नीरज जी का आशीर्वाद है। मैं बहुत कुछ भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन बस इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर मी कि आनंद जी ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया,
और मुझे पता चला जैसे अपनी वाइफ उपासना से कि अविका मोबाइल है, तो सबसे बड़ी बात सबने बहुत कुछ पूछा क्या खास बात है मोबाइल में, तो एक मोबाइल का मतलब बता दूँ कि मोबाइल मतलब होता है कि जब भी आप घूमते हैं चलते हैं और आपका फ़ोन बजता है तो आप आराम से बात कर पाते हैं लैंडलाइन से, और मुझे लगता है अभी का मोबाइल में ये सुविधा ज़रूर है और बात करवा सकेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई हो या CDMA हो, और मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आनंद जी को इस मौके पर, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, और सब लोगों को मैं हैप्पी दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और खासकर अभी आनंद जी को कहता हूँ अभी का मोबाइल के लिए बेस्ट विशेस मेरा उनके साथ है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैंने आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम माइक मेरे पास तो आया कम से कम।